हेलो मेरे व्यूज़, कैसे हो आप? आपका वेलकम है मेरे चैनल पर। आप मट्ठियों को देखकर पता लग ही गया होगा। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, मैं किस तरीके से अपनी मट्ठियाँ बनाती हूँ, ये वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मट्ठियाँ बहुत ही खस्ता बनी हैं, हलवाई स्टाइल जैसी बनी हैं, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट एंड ऊपर से गोल्डन खस्ता है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मठियाँ बनाने के लिए मैंने लिया है मैदा एंड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एंड सॉल्ट, अजवाइन और गुनगुना पानी। तो मैंने दो कोलियाँ एक वाली कटोरी डाली है मैदे की और ये वाली, ये तीन हमारी कटोरियाँ हो गई हैं। ठीक है जी, इसका रेशियो है, चाहे आप कोई सी बड़ी कटोरी ले लो, चाहे छोटी कटोरी ले लो या कप ले लें, आप कोई भी मेजरमेंट हो आपका, तीन का होना चाहिए। और उसमें पौने कटोरी के करीब इतनी मैंने ऑयल को कर लिया था गरम, वो इसमें डालेंगे। देखो गरम है ऑयल, आपको आवाज़ भी आई होगी। और इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच के करीब सॉल्ट, मठियों में सॉल्ट अच्छा लगता है। आधे चम्मच के करीब मैं डालूंगी अजवाइन, काली मिर्च थोड़ी सी, क्योंकि मैं मठियों के ऊपर भी लगाऊंगी इसलिए मैं थोड़ी सी ही काली मिर्च यूज कर रही हूँ। अब हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसको पानी के साथ आटे को गूंद लेंगे। ऑयल गरम डाला था इसलिए थोड़ा सा मैं स्पून के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पर मेरे चमचे का कोई काम नहीं है तो मैं क्या करूँगी, हाथों से इसको मिक्स करूँगी। इतना इसको मैदे और ऑयल को इतना मिक्स करना है कि ये जो मोइन है बाइंड अच्छी तरह से हो जाए, ऐसे जुड़ जाए। दो हाथों से भी मिक्स कर सकते हो आप। दो हाथों से मैदे और ऑयल को मिक्स करोगे तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, जितने के साथ ये इकट्ठा हो जाए हमारा मैदा, बस पानी उतना ही हमें डालना है, वो भी ल्यूक वार्म लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, ठंडा पानी नहीं यूज़ करना हमें, ना ही गर्म। इस तरह हम अपने आटे को गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंदना, मीडियम। थोड़ा सा पानी और लगेगा। अब देखिए मुझे आटे को गूंथते हुए 5 मिनट हो गए हैं, काफ़ी हद तक अच्छी इसकी डो बन गई है। बस इतना ही इसको इकट्ठा ऐसे ही कर लेना है, जैसे ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा ढीला होना चाहिए, आई मीन सख्त होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब इसको मैं रेस्ट करवाऊंगी 1 घंटे के लिए, उसके बाद हम मठियाँ तलनी शुरू करेंगे। इसको मैं ढक के रख दूंगी। अब मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है, जितनी देर हमारा तेल गर्म होता है उतनी देर के लिए हम अपनी मठियों की लोइयां बना के उसको बेल लेते हैं। देखो आटा हमारा रेस्ट करने के लिए रखा था वैसे ही है, अच्छा हो गया। अब इसको हम लोइयां बना लेंगे छोटी छोटी।
इस तरह से। इस तरह हम सारी लोइयां बना के रख लेंगे। अब मैंने लोइयां बना ली हैं सभी। अब इसकी हम मटियां बेलेंगे। मटियों को बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, ऐसे इसको पकड़ के हाथों से प्रेस करना है और इसमें लगानी है काली मिर्च। काली मिर्च ताकि अच्छी तरह अंदर तक प्रेस हो जाए, बस उतना ही इसको बेलना है। ऐसी तड़की हुई ये मठियाँ अच्छी लगती हैं। सभी मठियों को हम इसी तरह बेल लेंगे। हाथों से पहले प्रेस करना है काली मिर्च लगा के। ये बिल्कुल जैसे बाजार में मिलती है ना बनी बनाई, टेस्ट भी उसका वैसे ही आएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सभी मठियों को मैं अब इसी तरह ही बेल लूँगी। इसको प्रिपेयर कर लेंगे। आप अपनी चॉइस की 1, 2, 3 जितनी भी काली मिर्च लगाना चाहते हो लगा सकते हो। डाइजेशन के लिए काली मिर्च बहुत अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा नहीं बेलना, हल्का सा बस, ताकि इसमें काली मिर्च हल्के हाथों से इसको बेलना। नीचे सभी मठियाँ मैंने बेल ली हैं। अब फोर्क की सहायता से इसमें मठियों में हम छेद करेंगे ताकि हमारी मठियाँ फूले नहीं। तो इसी प्रकार से हम फोर्क की सहायता से सभी मठियों को हम ऐसे ही फोर्क के साथ छेद कर देंगे। इससे क्या होगा ना कि मठियाँ पूरियों की तरह फूलेंगी नहीं। ठीक है जी, और इसी बड़ी नरम सी बन गई है ये। इसी तरह मैं सभी अपनी मठियों को प्रिपेयर कर लूँगी तलने के लिए। चलिए अब हम अपना ऑयल चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। जितनी देर में मैंने अपनी मठियाँ प्रिपेयर की हैं उतनी देर में ये मठियाँ ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें तेल हमारा रेडी है। अब इसमें हम मठियों को तलेंगे एक एक करके। बहुत ध्यान से इन मठियों को कढ़ाई में डालना है ताकि छीटे ना पड़े। जितनी आती हैं 4 या 5 ओवरलैप नहीं करना, उससे क्या होगा मठियाँ में जुड़ जाती हैं। आज मैंने बड़ी कढ़ाई नहीं रखी, वैसे मैं बड़ी रख लेती हूँ। देखिए बिना हिलाए मठियाँ अपने आप ऊपर आ गई हैं। तो इसका मतलब इसका जो हमारी जो टेम्परेचर है ऑयल का वो बिल्कुल एकदम से परफेक्ट है। अब हम ये गोल्डन ब्राउन तक मठियों को तल लेंगे। देखिए हमारी मठियाँ एक तरफ से हल्की ब्राउन हो गई हैं। हम इस स्टेज में आके मैं इन मठियों को इनकी साइड चेंज कर दूँगी, टर्न कर दूँगी, पलटी कर दूँगी झाली की सहायता से। हाई मीडियम से हाई हीट पर आपको नहीं पकानी है, हमेशा लो से मीडियम हाई हीट पर ही आपको मछलियों को तलना है, तभी हमारी मछलियाँ हैं ना वो खस्ता बनेंगी एंड बहुत ही अच्छी बनती हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए अब मठियाँ बन के हो गई हैं तैयार। गोल्डन ब्राउन तक मैंने इनको अच्छी तरह से कर लिया है और किसी वैक्स पेपर के ऊपर या किसी भी पेपर टावल के ऊपर आप इनको निकाल सकते हो। मठियों का रंग देखो कितना अच्छे तरीके से बन के आया है। इसी तरह मैं अपनी मठियों को
सारी मछलियों को, जितने भी मेरे पूर बनेंगे, तीन बनेंगे या चार बनेंगे, मैं तल लूँगी। और मैंने हाँ आँच को थोड़ा सा धीमा किया है ताकि हमारी मछलियाँ कच्ची ना रहे। देखिए हमारी मछली कितनी अच्छी तरह से बन के तैयार हो गई है, बहुत ही खस्ता बनी है, एकदम हलवाई के स्टाइल की। देखिए अब मैंने अपनी सारी मठियाँ गोल्डन ब्राउन होने तक तल ली हैं और ये रेडी टू सर्व हैं। मैं आपको सर्विंग प्लेट में रख के बताती हूँ। तो लीजिए हमारी सभी मठियाँ बन गई हैं, मैंने सर्व भी कर दी हैं। आपको कैसी लगी हाँ मेरी आज की रेसिपी, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना एंड वीडियो को शेयर भी कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन बटन भी दबा देना ताकि आने वाली सारी वीडियो आपकी आपको नोटिफिकेशन उनकी मिल जाए। अगली वीडियो तक आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, रब रखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।